नाम से बंद करना पड़ता है। हमें बहुत सारे डीएम पूछे जाते हैं लद्दाख के बारे में, केदारनाथ के बारे में, दोनों में से फेवरेट राइड कौन सी है, बजट कितना हुआ। लद्दाख के बारे में मैंने बजट का एक वीडियो बनाया, जनरल आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं बजट भी बताऊंगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ है। जब मैंने लद्दाख किया था मेरे पास थी ड्यूक 390, अभी मेरे पास है वी स्ट्रॉम 650। आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा रहेगा, कल मैंने मम्मी के साथ चैलेंज लगाया था, अगर मैं बैडमिंटन का मैच जीत जाता हूँ तो मुझे कुछ स्पेशल मिलना चाहिए। तो आज आपके भाई को मिलने वाला है मस्त महाराष्ट्रियन चिकन, और महाराष्ट्रियन चिकन मेरे फेवरेट डिश में से एक डिश है। आप अगर लद्दाख और केदारनाथ को कंपेयर करोगे तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे रोड के बारे में। देखो यार, यहाँ पे ये दो राइड कंपेयर नहीं हो रही, दो लोकेशन कंपेयर नहीं हो रही, जस्ट दो एक्सपीरियंस कंपेयर हो रहे हैं। इससे पहले मैंने नॉर्थ में और कोई राइड की नहीं है। ये मेरे चैनल की सबसे बेस्ट राइड कौन सी है उसके बारे में बात हो रही है, और उसमें हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं ताकि रोड प्रिपरेशन ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग शेयर कर सकें। आज हमें टाइम मिला ये बातें शेयर करने के लिए, और जो डीएम आते हैं उसका भी आंसर देना जरूरी है। अगर रोड कंपेयर करने जाए तो केदारनाथ में भी रोड का काम चालू है। केदारनाथ में जो चारधाम सर्किट है उसके लिए ये लोग अलग से एक हाईवे डिजाइन कर रहे हैं, उसे बनाने में और 2-3 साल जाएंगे। उसी रीजन की वजह से आपको अभी के लिए वहां पे एडवेंचर बाइकें चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रीट बाइक है तो आपके हालत होने वाली है। लद्दाख से कंपेयर करनी चाहे तो मैंने 2018 में लद्दाख किया था, 2020 में करने की चाहत थी वो नहीं होने वाला, 2021 में कुछ फाइनल नहीं है, आगे का तो बाद में देखेंगे। अगर लेकिन लद्दाख में रोड्स अच्छे हैं, अगर सिलेक्टेड आप एरिया छोड़ोगे, जैसे कि पैंगोंग लेक वाला रोड है, न्यूब्रा वैली का रोड है, ऐसे सिलेक्टेड रोड छोड़ोगे, मेन ऑफ रोड जो सेक्शन आता है लद्दाख में वो आप सभी को पता है, लेह टू मनाली वाला जो हाईवे है वो हाईवे पे 500 किलोमीटर का रोड है वहाँ पे आता है। लेकिन वहाँ पे भी आपको 500 किलोमीटर नहीं मिलेगा, हार्डली 300 या 350 किलोमीटर जो है वो आपको खराब मिलेंगे। पहले रोहतांग पास में हमें ऑफ रोड मिलता था, अभी तो आपको वो भी नहीं मिलेगा, रोहतांग टनल स्टार्ट हुआ है। तो रोहतांग टनल की वजह से जो डिस्टेंस है वो कम हुआ है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हुआ है, लेकिन वो 50 किलोमीटर नॉर्मल रोड वाले 50 किलोमीटर नहीं थे, वो 50 किलोमीटर हमारे 3 से 3.5 घंटे कट करते थे, बिकॉज वहां पे था रोहतांग पास और उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता था। ये जो मैंने केदारनाथ राइड की वो भी सिर्फ केदारनाथ राइड नहीं थी, मैं केदारनाथ जाने वाला था, केदारनाथ से मुझे जाना था अटल टनल, अटल टनल से रिटर्न घर। लेकिन वो टाइम पे भी सेम था सिचुएशन, बाहर की ख़राब थी, सारे स्टेट की बाउंड्रीज बंद हो रही थी, मैं कंट्री बोलने वाला था, सारे स्टेट की बाउंड्रीज बंद हो रही थी। तो हम लोग ने फटाफट केदारनाथ दर्शन, उसके बाद में नीचे उतर गया। अगर केदारनाथ के आप रोड देखोगे तो केदारनाथ के रोड बहुत ब्यूटीफुल है, लेह के रोड में एक अलग ब्यूटी है, केदारनाथ के रोड में एक अलग ब्यूटी है। केदारनाथ के यहाँ पे आपको ग्रीन ब्यूटी दिखाई देगी, यहाँ पे आपको रेगिस्तान ब्यूटी दिखाई देगी, डेजर्ट ब्यूटी दिखाई देगी, लेकिन दोनों जगह की ब्यूटी अपनी अपनी जगह पे। लेह में जैसे आपको ब्लू स्काई मिलते हैं वैसे आपको उत्तराखंड में नहीं मिलेंगे, लेकिन उत्तराखंड में आपको जो नजारे दिखते हैं वो आपको लेह में दिखाई नहीं देंगे। हीरो 9 का आज तक मैं मीडिया मोड ऐसे ही यूज़ किया है, इस पर जो कवर मिलता है डेड कैट मिलती है वो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, आज मैं उसे यूज़ करूँगा। मुझे देखना है वो डालने के बाद आवाज़ कितना फिल्टर होता है, कैसे आता है, ये ऐसे देखेगा कि वैसे आवाज़ थोड़ा और फिल्टर होके आएगा, जो विंड नॉइज़ आता है, जो बीच में खिच 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 आवाज़ आता है, वो सारा आवाज़ बंद होगा।
आते फिर से अपने टॉपिक पे, जब मैंने लद्दाख किया था तब मेरे पास था 2017 KTM Duke 390, जब मैंने केदारनाथ किया तब मेरे पास V-Strom था। अगर दोनों बाइक में आप कंपेयर करने जाओ तो यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन में आपको बताता हूँ कौन सी बाइक कितनी कंफर्टेबल है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। जब KTM चला रहा था KTM मेरे लिए कंफर्टेबल थी, अब V-Strom चला रहा हूँ V-Strom मेरे लिए कंफर्टेबल है। अगर आप देखने जाओगे तो बहुत लोग स्ट्रीट बाइक से राइड करते हैं, बहुत लोग एडवेंचर गाड़ियों से राइड करते हैं, बहुत लोग सुपर स्पोर्ट्स से भी राइड करते हैं। कितने लोग हैं जो CBR 650 F से राइड करते हैं, मेरा खुद का फ्रेंड है, बहुत लोग अलग अलग बाइक से राइड करते हैं। जो कंफर्टेबल का डेफिनेशन है वो अपने आप पे, अगर आपको वो बाइक कंफर्टेबल है तो आप 100cc 200cc 300cc पे भी कंफर्टेबल हो, आपके अगर दिल में खौफ है तो आपको 800cc भी कंफर्टेबल नहीं लगेगी। तो कहां पे भी राइड कर रहे हो आपकी बाइक आपके साथ कंफर्टेबल होनी चाहिए, उसका बिहेवियर आपके बॉडी लैंग्वेज से मैच होना चाहिए। अगर आप उसके साथ हैप्पी हो, आप उसके ब्रेकिंग से हैप्पी हो, आप उसके परफॉर्मेंस से हैप्पी हो, तो कुछ तकलीफ नहीं, आप कहां पे भी राइड कर सकते हो। वीडियो थोड़ा ज्ञान वाला वीडियो होने वाला है, एक्सपीरियंस शेयरिंग, ये लो एक्सपीरियंस शेयरिंग जो वीडियो होते हैं उसमें ये पंगा तो होगा, आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने मिलती हैं। अभी मैंने रोड के बारे में बात किया, अभी मैंने बाइक के बारे में बात की, लेकिन अगर आप कंपेयर करने जाओ एक स्मॉल सीसी बाइक को मिडवेट वाली बाइक से, मिडवेट वाली बाइक को आप एक हायर सीसी बाइक से कंपेयर करने जाओगे, हर एक बाइक में आपको एक चीज़ सबसे बड़ा फटका लगेगा, वो है आपको जेब को लगने वाला फटका, मेंटेनेंस। ये वो चीज़ें मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी मुझे जस्ट नीचे वॉक के लिए जाना है, जो मेरा डेली का शेड्यूल है, लेकिन आज अपने पूरे व्लॉग में यही चीजें होने वाली है। ड्यूक 390 और V-Strom 650 में एक चीज कॉमन है और वो गलत है, दोनों का सर्विस इंटरवल कम है। मिनिमम सर्विस इंटरवल चाहिए 10,000 किलोमीटर, अगर 10,000 किलोमीटर होगा तो आपको एक राहत मिलती है लंबी राइड करते समय, आपको बीच में रुक के सर्विस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लद्दाख है मुंबई से 5,300 या 400 किलोमीटर अप एंड डाउन का बता रहा हूँ, अगर वो एक राइड करने के बाद आप सर्विस करो, और उससे भी कोई बड़ी राइड है, मैंने अभी तक उससे बड़ी राइड की नहीं है, लेकिन अगर उससे भी कोई बड़ी राइड है या आपको मुंबई में आने के बाद कहीं पर दूसरे राइड के लिए निकलना है, तो आपके लिए सर्विस इंटरवल थोड़ा बड़ा चाहिए। सर्विस इंटरवल बड़ा होता है तो आपका मेंटेनेंस थोड़ा कंट्रोल में रहेगा और आपको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन V-Strom 650 के बारे में भी सेम है, 6,500 पे सर्विस है उसका, और KTM का भी सर्विस 6,500 या 7,000 किलोमीटर पे। मतलब आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसका सर्विस इंटरवल थोड़ा ज़्यादा हो। ये टॉपिक ये वीडियो से रिलेट नहीं करता, लेकिन बाइक की बात निकली है तो KTM और V-Strom का मैं डिटेल में आपको मेंटेनेंस बताता हूँ, सर्विस कॉस्ट बताऊँगा सिर्फ। KTM 390 की सर्विस कॉस्ट आती है 2,200 रुपीज़ अगर आप पेड सर्विस कर रहे हो तो, और आप लेबर फ्री वाली सर्विस कर रहे हो तो उसमें कॉस्ट आती है 1,500 रुपीज़। V-Strom का ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री सर्विस एक भी नहीं होती, आपको सारे सर्विस के पे करने हैं, तो पर सर्विस आपको कॉस्ट आएगा 5,500 रुपीज़ तक। ये एरिया में पंछियों का आवाज़ मस्त आता है। अगर दोनों लोकेशन को हम लोग वेदर से कंपेयर करने जाए तो लद्दाख और केदारनाथ दोनों भी ठंडी प्लेस है, लेकिन केदारनाथ में आपको इतनी ठंडी नहीं मिलेगी, सर्टन टाइम में ठंडी मिलेगा। मई में केदारनाथ खुलता है, वो टाइम पे ठंडी रहती है, जून तक ठंडी, मतलब मैं बर्फ़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जून तक रहेगा, उसके बाद सितंबर तक कुछ नहीं होता है, अक्टूबर नवंबर में आपको बर्फ़ मिलेगी, ठंडी मिलेगी। मैं जब गया था तो -15 टेम्परेचर था। आपको अगर केदारनाथ जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जून से सितंबर के बीच में जो पैच है वो पैच में ट्रैवल करने की कोशिश करना, हालांकि वहाँ पे वो टाइम पे बारिश ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो टाइम पे आपको ठंडी थोड़ी कम मिलेगी। -15 टेम्परेचर में हम लोग की जो बैड बजी थी उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अगर आप जल्दी जाते हो तो आपको एक्सप्लोर भी अच्छा करने मिलेगा, एक्सप्लोर करने के लिए वेदर आपको प्लेजेंट चाहिए, तो यही चीज़ लद्दाख के लिए है। तो लद्दाख में आप मई के एंड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी सेम है, अब सितंबर एंड तक, कई लोग अक्टूबर में भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन वहाँ पे जून के एंड में मैं गया था वो टाइम पे वहाँ पे प्लेजेंट वेदर था। मई के एंड में थोड़ा बर्फ़ होता है, थोड़ा आपको टेम्परेचर माइनस में मिल सकता है, लेकिन जून के एंड में या जुलाई में आपको वेदर अच्छा मिलेगा, अगस्त में भी वेदर अच्छा होता है। यही लद्दाख का कंपेयर करने जाओ तो मैं लद्दाख में गया था जून एंड में, वो टाइम पे वेदर अच्छा था, माइनस में टेम्परेचर नहीं मिला, लेकिन आप अगर मई के एंड में, लद्दाख स्टार्ट होता है मई के एंड से अक्टूबर तक चलता है, जून के मिड से आप अगर अगस्त तक जाते हो तो आपको वेदर बहुत मस्त मिलेगा, आपको सब जगह पे घूमने मिलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, आप अगर माइनस टेम्परेचर में जाते हो तो आप ठंडी सह नहीं पाते हो। पूरा बर्फ बन चुका है, इसमें से जो पानी आता है वो भी बर्फ बना है।
लद्दाख और केदारनाथ में एक चीज़ बहुत कॉमन है, आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, आपको रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ये एरिया में लैंडस्लाइड बहुत होती है, दोनों भी जगह पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। और मेन चीज़ है, रात में बहुत सारे रोड यहाँ के बंद होते हैं। जैसे मैं केदारनाथ से ऋषिकेश के लिए रिटर्न जर्नी कर रहा था, तो श्रीनगर करके एक प्लेस है उत्तराखंड में, वहाँ से ऋषिकेश का जो रेगुलर रूट था वो रूट बंद हुआ था, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुई थी और रोड का काम भी चालू था, तो हमें रूट चेंज करना पड़ा। रूट का भी नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस रूट की वजह से हमारा कुछ आधा एक घंटा एक्स्ट्रा गया। और वो टाइम पे वो सच में रूट सुनसान था, और वहाँ पे ट्रैवल करना थोड़ा डरावना लगता है। अपने घर में अगर है, हम लोग मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ पे रोड पता है, वहाँ पे हम लोग रात में ट्रैवल करते तो इतना डर वाला माहौल नहीं होता। लेकिन जो रोड हमें पता नहीं है, जहाँ पे हमने इससे पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, फर्स्ट टाइम गए, वो वहाँ पे हम लोग रात में अगर ट्रैवल करते थोड़ा डरावना वाला माहौल होता। तो यहाँ पे आपको रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैंने जो आपको मंथ का बताया उसमें एक चीज़ है, केदारनाथ मई में खुलता है, जैसे अभी डिक्लेयर किया है 17 मई को वो खुलने वाला है, और वो बंद होता है जो भाई दूज होती है दिवाली की, वो टाइम पे वो बंद होता है। किसी भी टूर का, किसी भी राइड का जरूरी पार्ट होता है बजट। मैं यहाँ पे आपको ऐसा बजट नहीं बताने वाला हूँ कि कम से कम पैसे में हम लोग कितना घूमें, नहीं। मैं जितनी भी राइड करता हूँ मैं कंफर्टेबल राइड करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे मेरा कभी नहीं होता, बिकॉज हमारे पास बाइक्स है, एक्सपेंसिव सामान होता है, तो हमें एक सिक्योर पार्किंग चाहिए, एक अच्छा रूम चाहिए जहाँ पे हम अपना सामान रख सके। तो मैंने लद्दाख का जो बजट का वीडियो है वो पूरा डिटेल वाला एक वीडियो बनाया, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आपको पता चलेगा लद्दाख में मैंने कितना बजट इन्वेस्ट किया था। लेकिन लद्दाख मैंने 2018 में किया था, उस राइड को मुझे अभी 2.5-3 साल हुए, तो 2.5-3 साल के हिसाब से उसमें थोड़ी चेंजेस हुए, वो थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन केदारनाथ मैंने अभी रिसेंट किया, तो केदारनाथ में मेरा टोटल इन्वेस्ट हुआ था 35,000। 13 दिन की राइड थी, 13 डेज़ के राइड में 35,000 मैंने इन्वेस्ट किया, उसमें मेरा फूड, होटल स्टे, अभी मैंने ये सेपरेट नहीं किया। पेट्रोल का यहाँ पे इतना चेंज नहीं होगा, बिकॉज KTM Duke 390 और V-Strom 650 ये दोनों का एवरेज लगभग सेम है। KTM मुझे देता था 29-30 का एवरेज, और V-Strom 27-28 का एवरेज वैसे भी दे देती है। एक चीज़ है, हम लोग का बजट थोड़ा बढ़ गया, बजट थोड़ा कम होता, लेकिन जब हम लोग केदारनाथ पहुँचे तो हमने हेलीकॉप्टर राइड ली। उसके पीछे रीज़न था, वहाँ का वेदर बहुत खराब हुआ था जब हम वहाँ गए थे। मैंने आपको पहले भी बोला, -15 डिग्री हमें मिला था, और नॉर्मल हम लोग ने केदारनाथ पे जब एंट्री भी की तब -3 डिग्री था। तो इस रीज़न की वजह से बहुत लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं आप ट्रैक मत करो, अभी वेदर बहुत ख़राब हुआ और आप वो सही नहीं पाएंगे। यार वो सही निकला, अगर हम लोग ट्रैक करते, जो भी 17-18 किलोमीटर का ट्रैक है, अगर हम लोग ट्रैक करते तो ट्रैक हमसे वो वेदर में नहीं होता। इमेजिन करो इतनी ठंड और उस ठंड में हम लोग ट्रैक करें, हम नहीं सह पाते वो चीज़, तो हम लोग ने ट्रैक नहीं किया। अगर हम लोग जून, जुलाई या अगस्त मंथ में वहाँ पे जाते तो शायद से हम लोग ट्रैक करते, ताकि वहाँ पे वो टाइम पे वेदर बहुत प्लेजेंट होता। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लेजेंट वेदर में वहाँ पे जाना, किसी भी प्लेस पे आप जाते हो एक्सट्रीम वेदर में कभी मत जाना। ये मैंने आज तक के राइड से सीखा है, आज तक के ट्रैवल प्लान से सीखा है। लद्दाख में मैं गया था, प्लेजेंट वेदर में गया था तो मैं एंजॉय कर पाया था। केदारनाथ में मैं प्लेजेंट वेदर में नहीं गया, थोड़ा एक्सट्रीम वेदर में गया, इतना एंजॉय नहीं कर पाया जितनी मुझे चीज़ें देखनी थी। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, मुझे बहुत सारी चीज़ें घूमनी थी, लेकिन वेदर, एक्सट्रीम वेदर और कोविड कंडीशन, ये दोनों की वजह से मुझे जल्दी ये राइड ख़त्म करनी पड़ी। केदारनाथ में आप अगर हेलीकॉप्टर राइड लेते हो तो उसमें आपको रिटर्न जर्नी 5,500 रुपीज़ में देते हैं। अगर आपका वेट 80 kg के ऊपर है, हम लोग का तीनों का वेट 80 kg के ऊपर था, तो 80 kg के ऊपर है तो आपसे पर kg 150 रुपीज़ लेते हैं। और ये जो रेट है ये फिक्स रेट है, गवर्नमेंट ही उनको बता देता है कि इतना रेट आपको रखना है। और वहाँ पर आप अगर सीज़न में जाते हो तो सीज़न में बहुत सारी कंपनीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड करती है। हम लोग एंड सीजन में गए थे तो बहुत सारी कंपनी अपना सर्विस बंद करके रिटर्न आ गई थी। दोनों ट्रैवल में मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, लद्दाख जब मैं पहली बार गया था तो लद्दाख मेरा ड्रीम राइड था, तो उसकी खुशी एक लेवल थी। लेकिन जब मैंने केदारनाथ में पहली बार भगवान शिव के दर्शन लिए, पहली बार दूर से मंदिर देखा, तो उसकी जो फीलिंग थी वो ड्रीम राइड से भी ऊपर वाली फीलिंग थी। मेरी आंखें नम थी, हम लोग सब शांत थे, एक अलग पॉजिटिव वाइब थी, ऐसे लग रहा था चारों तरफ से हमें, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव वाइब कभी नहीं देखी। हर एक बंदे को लाइफ में एक बार केदारनाथ दर्शन लेने चाहिए, बहुत पॉजिटिव प्लेस है, बहुत प्यारी प्लेस है। आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। तो आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आएगा, और ऐसे और कुछ व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अभी अपने पास बहुत टाइम है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।